it's amazing that I could work for her because honestly I just love the outfit and I think जब आप शो स्टॉपर बनते हो तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं होती है बिकॉज डिज़ाइनर फील्स दैट दिस इज़ लाइक द बेस्टेस्ट अमंग्स the overall collection that she's showcasing today and obviously I hope jo unhone you know socha hoga I hope ki maine usi tarike se execute kiya and you know somewhere as a showstopper you feel that you know you want to you know fulfill what a designer had thought for you or about the dress you know with you so I think I'm very happy to be a part of this show and especially to work for her थीम के बारे में थोड़ा अगर आप हमें बता सकते आई डिंट हैव एनी पर्टिकुलर थीम बट आई मिक्स्ड फर्स फ्रिल्स टासल्स ये सभी इसमें मैंने ऐड किया है बट देयर वाज नो स्पेसिफिक थीम एज सर आपकी डॉटर भी है तो आप लोगों ने मतलब थीम के बारे में ज़रा बताइए एंड एक्सपीरियंस It's actually a mix of both traditional and modern, more wearable, more pastel colors. We've mixed a lot of furs and tassels and stuff that is, it doesn't die. It's always, you know, something that's over time going to be in fashion and in trend. And so we are catering for all crowd. It's not only high crowd. It's middle, upper middle class crowd. For everyone, like we want to cater for every crowd, like you know. आई थिंक ऑब्वियसली बिकॉज जब जब डिज़ाइनर्स इनिशियली जब कॉस्ट्यूम को रेडी करते हैं वेन दे थिंक ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड टू पार्टिसिपेट इन द शो दैट टाइम दे डोंट हैव अ क्लियर विजन हु देयर शो स्टॉपर्स गोना बी यू नो एंड देन लेटर वेन एवरीथिंग प्रोग्रेसेस तब जाके यू नो यू डिसाइड क्योंकि आई थिंक दिस इज यू नो द शो स्टॉपर आई वॉन्ट टू गो फॉर सो आई थिंक कहीं ना कहीं लेंथ को लेकर थोड़े इशूज होते हैं मेरे साथ हमेशा बिकॉज आई एम नॉट दैट टॉल बट आई एम ग्लैड कि ये ईजिली फिट हुआ है थोड़े ऑल्ट्रेशन थे जो कि हमने किए विच इज़ वेरी लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो होता है बट आई थिंक आई वॉक वेल थोड़ा सा लिफ्टिंग होता है बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रिप बट आई थिंक इट वॉज अ गुड वॉक यू ऑल डोंट थिंक सो नो ऑब्वियसली बिकॉज यू नो सारी लाइट्स ऑफ होती है दिस यू नो द स्पॉट इज ऑन यू सो यूर लाइक ओके आई नो दैट एवरीबडी इज वॉचिंग यू नो बडी इज गोना इग्नोर यू एंड देन कहीं ना कहीं वो फियर होता है स्पेशली ड्रेस को लेके अगर थोड़ी सी लंबी हो या ज़्यादा यू नो कैन कैन हो सो लाइक आई होप आई डोंट ट्रिप आई होप आई कैन वॉक आई डोंट वांट टू लिफ्ट माय ड्रेस अप आई थिंक ये चार पांच चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में होती ही होती है आई थिंक एवरी शो स्टॉपर के नहीं इतना अच्छा नाम है वरुण यू यूज़ नेम Well, I didn't look at him because obviously I would like you know I was a little cautious to be very honest. So I was just walking straight. But in the end, when the show was over, I waved at him. He's there only. I'll call him. Wait. Marriage is too early. Let's see. Yeah. मतलब किसी को देखा नहीं कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड इट्स लाइक सो टिपिकल यू गेट मैरिड व्हेन आर यू गोना हैव किड्स लाइक इट्स द सेम थिंग गोइंग नो ओके तो 2019 में कुछ प्रोजेक्ट अगर आप शेयर कर सकते हैं क्या कुछ आने देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे वेल ऑनेस्टली 2019 को मैं एक आई हैव जस्ट शॉट फॉर अ सॉन्ग इन तमिल विच इज़ अ सिम्बा रीमेक एंड इट्स द ओपनिंग ऑफ द फिल्म सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम डूइंग अनदर वेब नाउ सो विच विल स्टार्ट पोस्ट जून इट्स अगेन अ वेरी क्या कहते हैं वेरी नॉट अ वेरी इट्स अ वेरी इंटेंस वेब जस्ट लाइक हाउ आई डिड जिंदाबाद यू नो समथिंग उतना ही इंटेंस लेवल का स्क्रिप्ट है सो आई एम डूइंग दैट एंड राइट नाउ आई एम डूइंग अ शो विच प्रोबेबली आई विल टेल यू ऑल वंस आई एम वंस वी टेक ऑफ फ्रॉम हियर सो देयर इज अ शो दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ थैंक यू